वीर जवान का शव उसके पैतृक गांव पहुंचने के बाद पूरा गांव गमगीन हो गया। शहीद के अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। दिल्ली में तैनात बीएसएफ जवान मनोज पासवान की सड़क दुर्घटना में सोमवार को मौत हो गई थी। मंगलवार को पार्थिव शरीर तिरंगा में लिपटा हुआ पैतृक गांव सदर प्रखंड के अमनारी पहुंचा। शव आने की सूचना पर हजारों लोग अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। अंतिम संस्कार के लिए विदाई के समय पूरा गांव रोया। वृद्ध पिता बैजनाथ पासवान ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय लोग उस वक्त एक बार फिर भावुक हुए जब अग्नि संस्कार के लिए पिता के साथ उसके 5 वर्षीय बेटा को सामने लाया गया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर एमआई खान के नेतृत्व में जवान शव को लेकर उनके गांव रांची से आए थे। बीएसएफ जवानों ने अमनारी के शमशान घाट पर सशस्त्र सलामी दी। शमशान घाट की यात्रा के दौरान सनातन संस्कृति के अनुसार राम नाम सत्य है के नारे लगते रहे, परंतु मनोज के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगता रहा। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।